हेलो भैया, हाउ आर यू? मैं आपका राहुल। देखिए, इस समय दो ही राहुल हैं इंडिया में जो चल नहीं रहे हैं। पहला, दूसरा के एल राहुल, और दोनों ही अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं। मैं अभी गया था, कहाँ गया था सुरजेवाला? हाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वही वही के पैसे दिए थे ना हमने। हाँ हाँ ठीक है। तो भैया, हमने वहां पैसे दिए क्योंकि हमें तो कोई बुलाता नहीं है, मोदी जी थोड़ी है। मैं वहां गया, जाने के बाद उन लोगों ने मुझे वेलकम किया, मेरा भाषण सुना, चाइना के लिए जो मैंने प्यारी प्यारी बातें कही वो उन्होंने सुनी। उसके बाद उन्होंने बोला कि सर, हम आपको कुछ गिफ्ट में देना चाहते हैं। हमने कहा दे दीजिए, कौन आपको रोक रहा है? उन्होंने मेरे माथे पे पी लिख दिए। अरे पी मतलब वो नहीं, पी स्टैंड्स फॉर पप्पू। एक छात्रा मेरे पास आई, उसने कहा कि मैंने आपका वो इंटरव्यू देखा था, वो वीडियो देखा था जिसमें आपने कहा था कि मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ। तो हमें लगा कि क्यों ना हम आपको, वो तो पप्पू ही लिख रही थी, पर मैंने कहा नहीं, पी इज सफिशियंट, एवरीबडी नोज। खैर, अब तो लिख ही लिया है मैंने, मैंने लिखवा ही लिया है पी। लोग तो सी लिखवाते हैं, मैंने कहा नहीं, तुम पी लिखो। और बावजूद उसके मैं डरता नहीं हूं किसी से। लोगों ने कहा, विपक्षियों ने, क्या आप तो माथे पे पी लिखवा लाए? मैंने कहा पी स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री, समझ में आई, प्रधानमंत्री। और वो भैया, मैं बन के रहूंगा, भले कर्ज फिल्म के ऋषि कपूर की तरह मुझे दो जन्म लेने पड़े, पर मैं बन के रहूंगा। इस जन्म में अगर पप्पू बना हूं तो अगले में प्रधानमंत्री जरूर बनूंगा। मेरी मम्मी को भी यही लगता है। खैर भैया, बात यह है, मैंने वहां पे कहा कि मेरे फोन में एक पी और है, पेगेसस, उसका भी पी यही स्टैंड करेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में पी शब्द का बहुत अनोखा एक महत्व है। मेरे फोन्स में वो भी पी से शुरू होते हैं, पी फॉर फोन, पेगेसस लगा रखा है उन्होंने, जासूसी उपकरण से पता लग जाता है कि बातों का, इनका उनका। मैं वही कहूं कि मेरी खुफिया गर्लफ्रेंडों के बारे में इनको कैसे पता, मेरी जीजू की बातों का, मेरी बातों का इनको कैसे पता, मेरी पी फॉर प्रियंका दीदी का आने का प्लान कैसे पता। समझ गया मैं कि मेरे फोन में कुछ है, प्रधानमंत्री मेरी जासूसी कराते हैं। उनको अगर डर है तो सिर्फ एक ही बंदे से, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जो लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं, मैं वो सोच समझ के बोलता हूं, क्योंकि मैं सोचने समझने के बाद ये सोचता हूं, समझता हूं कि भैया शायद मैं वो भूल गया हूं, और फिर जो मेरे मन में एक्सटेम्पोर स्पीच आती है, मैं भहमे भहमे करके बोल देता हूं, इधर से सोना डालो, उधर से फलाना आएगा, इधर से आलू डालो, उधर से सोना आएगा। कहीं से सोना नहीं आता, मुझे तो खुद को आज तक सोना नहीं आया। अगर ढंग से सो ही लेता तो ऐसी बहकी बहकी बातें नहीं करता। बहरहाल, ये तो मेरी पप्पू पंक्तियां तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा, आपको सभी को दिवाली मुबारक। ओ सॉरी,
कौन सा त्योहार है ये? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस? यार तुम पागल हो क्या? हॉलीडे तो संडे को होता है। अच्छा होली, अच्छा होली होली, अच्छा जब ही तुमने ये कलर लगाया, मैं क्या पता नहीं कलर क्यों लगा दिया। चलो ठीक है, आप सभी को होली मुबारक हो, हैव अ सेफ होली, वंडरफुल होली, और बस 2024 का ध्यान रखिए ताकि मैं उसमें भी अच्छी होली मना पाऊं। बाय बाय भैया, गॉड ब्लेस भैया, ओके, पप्पू जा रहा है, ओके बाय बाय, टाटा सी यू।